इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन सो द रिटेलर्स हैजू अवॉइड द इम्बैलेंस बिटवीन द स्टॉक्स ऑब्जेक्टिव ये है उसका कि वो किस तरीके से बैलेंस रख सके दोनों चीजों के दरमियान वो दो चीज़ें क्या हैं सबसे पहली चीज़ यह है कि उसके पास कोई ऐसी भी आर्टिकल ना हो जिसकी शॉर्टेज हो जाए इतनी क्वान्टिटी में भी ना होकर शॉर्टेज हो, हो जाए और इतनी भी क्वान्टिटी ना हो कि स्टॉक जो है वो एक्सेस में हो तो इन दोनों के दरमियान उसको बैलेंस क्रिएट करना है इस इमेलेंस की वजह से दिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट थिंग विल बी डिस्टर्ब सो द फर्स्ट थिंग जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आती है वो ये है कीपिंग बैलेंस ऑफ योर स्टॉक इन सच अ वे आपके पास ना तो इन्वेंट्री एक्सेस में हो और ना ही इन्वेंट्री की शॉर्टेज हो इट इज बिट ट्रिकी लेकिन ऑफ कोर्स द रिटेलर हैज़ द ट्रेंड्स अवेलेबल जिसको उसे फॉलो करना है और अपने लिए सक्सेस स्टोरी क्रिएट करनी है इसी तरीके से जो फैड मर्चेंडाइज है जो फैशन मर्चेंडाइज़ हैं उसको कितना कैरी करना है कैसे कैरी करना है कितने टाइम के लिए कैरी करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, रिटेलर को क्या जहन में रखना है क्या नोटिस में रख करना है उसको ये देखना है कि मुझे ये जो फैड मर्चेंडाइज़ हैं जो सीजन आर्टिकल्स हैं जो फैशन मर्चेंडाइज़ हैं जो बहुत क्विकली चेंज होने वाले आर्टिकल्स हैं उनको कितने टाइम के लिए मुझे प्लान करना है मुझे कितने टाइम के लिए उनको शेल्फ के ऊपर जगह देनी है एंड देन आई हैव टू डिसाइड कि मुझे इसके ऊपर फॉरन एक्शन लेके इसको लिक्विडेशन की तरफ जाना है इसको लिक्विडेट करना है ताकि मैं इन्वेंट्री की एक्सेस ना लूँ ज्यादा क्या कि मेरे पास इन्वेंट्री ज्यादातर एक्सेस में ना हो बिकॉज इफ आई एम अनेबल टू लिक्विडेट अ पर्टिकुलर स्टॉक इट इज़ अ फेलियर फॉर मी एज ए रिटेलर और अगर मैं उसको टाइमली कर पाया हूँ लिक्विडेट दैट इज सक्सेस स्टोरी एज ए रिटेलर देन द कस्टमर डिमांड वी ऑल नो इज नॉट ऑलवेज हंड्रेड परसेंट डिक ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि कस्टमर क्या डिमांड करने जा रहा है आपको पता है कि जो आने वाला कस्टमर है वो आपसे क्या मांगना चाह रहा है बाय करने के लिए आ रहा है सो so, कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी होगा कि आप यू कैन प्रोडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया हिस्ट्री ऑन द बेिस ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर बट ऑफ कोर्स नॉट हंड्रेड परसेंट

डिस्काउंट प्रोमोशंस इज ऑफ कोर्स टू लिक्विडेट दी इन्वेंट्री विच यू हैव दी इन ऑर्डर टू अवॉइड दी आउट ऑफ सीजन प्रोडक्ट्स अपने पास उस इन्वेंट्री को रखना जो कि अब आउट ऑफ सीजन होने के लिए जारी है तो द बेस्ट पार्ट सबसे पहले विच इज डन बाय जारा रिटेलर वो क्या है हाउ जारा मैनेज इज इन्वेंट्री वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दे कंसिडर देयर क्लोदिंग देयर टेक्सटाइल देअ फेब्रिक एसपैरिशेबल सो

इस तरह की पैरिशेबल स्ट्रैटेजी बनाकर जो कि जिसके ऊपर वो स्टॉक को क्विकली लिक्विडेट कर सकता है उस तरफ जाना है या प्री सीजन uh, को क्लोज करने से पहले उसको प्रोडक्ट्स uh, को लिक्विडेट करना है या फिर सीजन के ख़त्म होने के बाद उसको ये डिसीजन लेना है कि मुझे अब ऑफ लगा के स्टॉक को लिक्विडेट करना है वो तमाम रिटेलर्स जो कि वेट करते हैं कि इस स्टॉक को हम लिक्विडेट कर लेंगे मे बी आने वाले सीजन में इट इज़ अ फेलियर इट इज़ अ फेलियर इन द इंडस्ट्री that if you keep that stock, your inventory cost will go high. The quality will deteriorate. Ultimately, the customer will not get the product quality and you will not get the ultimate margin. So it is best to, uh, to sell this product within timeline. It is best to sell the products whenever the season is going to expire or is just started to expire. It is the best way. So inventory management is the key. You need to consider your products always as perishable and then that is the only way you can create and make success story zara retail store is one of the examples of it and you can easily uh, read it uh, conclude it understand it and implement it in your retail store